सत श्री अकाल, सलाम और नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और ट्रेनर करणवीर सिंह आज आपके लिए एक लेसन लेकर आया हूँ लोअर बैक पेन पे, उसको रिलीफ कैसे किया जाता है और उससे बचा कैसे जाता है। रीज़न क्या है? पहले रीज़न ये है कि जब हम बायोमैकेनिकली कोई काम करते हैं, हमारी बॉडी का पोर्शन कुछ ऐसे होता है जब वेट उठाते हैं, जबकि बायोमैकेनिकली हमारी बॉडी सीधी होनी चाहिए। जब हमारी बॉडी की कर्व बनी होती है, हमारे बॉडी के बैक मसल हमारी स्पाइनल कोड को सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे लोअर बैक पेन होनी शुरू हो जाती है। जो हमारे मसल टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, और पुराने लोग थे जो हमारे एल्डर्स थे, उनको लोअर बैक पेन नहीं होती थी। रीज़न क्या था? उनकी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। बैक स्ट्रांग होने का रीज़न क्या था? उनके बैक मसल स्ट्रांग होने का रीज़न ये था कि वो कंटिन्यूसली वॉक बहुत करते थे। पहले हमारे पास कोई व्हीकल्स नहीं थे कहीं पे जाने के लिए, वो पैदल चल के जाते थे। वॉकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिलीफ अवर बैक पेन्स। बैक पेन को रिलीफ करने के लिए, बैक मसल को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज वॉकिंग ही है। और मॉडर्न लाइफ में हम डिपेंड हो चुके हैं, जितने भी व्हीकल्स आ चुके हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुके हैं, जिसके कारण हमारी बैक की इतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, उसके कारण हमारे बैक मसल बहुत वीक हो चुके हैं, जिसके कारण हमारे लोअर बैक पेन होनी शुरू हो जाती है। अगर हमारी बैक में बार बार पेन हो रही है, अगर बैक में इंजरीज आ रही हैं, हमारे टिश्यूज ब्रेक हो रहे हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमारे को बैक पेन से रिलीफ करती हैं और हमारी बैक के मसल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। वॉकिंग तो है ही, सेकेंडली मैं एक्सरसाइज बताऊँगा आपको। चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले कि हम अपनी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स छोड़ देना है और अपनी बाजू के अपने शोल्डर की तरफ रख लेना है और बॉडी को आराम से ऊपर को उठाना। फिर वैसे ही स्लो स्लो नीचे आकर बॉडी को फिर उसी पोजीशन में लेकर आना है। इसमें हमारी बॉडी के मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, इसको कोबरा स्ट्रेच भी बोला जाता है। और उसके बाद क्या करना है कि हम ऐसे उठते हैं और बॉडी को पीछे तरह लेके जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है आपको, ये हमारे बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, जो बैक मसल है स्ट्रेच करने के लिए करवाई जाती है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है कि हमने अपनी लेग को, एक लेग को ऐसे उठाना है, हमारे पैर की मूवमेंट डॉर्सिफ्लेक्स रहेगी, वहाँ पे होल्ड रखेंगे और नीचे लेके आएंगे। उसके बाद सेम दूसरी लेग भी ऐसे उठानी है, नीचे आना है। अगर आपके बैक के मसल्स पे थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही है। हम इसकी ड्यूरेशन हम 7 से 8 टाइम कर सकते हैं, सेम दोनों लेग की ऐसे। थर्ड एक्सरसाइज में क्या है? थर्ड एक्सरसाइज में हमने बॉडी को ऐसे रखना है, अपने नीज के ऊपर वेट होगा, थोड़ा वेट हमारे हाथों में होगा। उसमें करना क्या है कि हमारी बॉडी एक बार फ्लेक्स होगी, एक बार कर बनेगी, फिर फ्लेक्स होगी, कर बनेगी। इसमें क्या है कि हमारी बॉडी के मसल्स एक बार फ्लेक्स हो रहे हैं, एक बार कर्व में आ रहे हैं, क्योंकि जिनके मसल कर्व की तरफ हैप्चर हो चुके हैं उनको फ्लेक्स पोजीशन में लेकर आने के लिए एक्सरसाइज है। और फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज में क्या है कि हमने एक बार अपनी बॉडी को, बाजू को और एक अल्टरनेट लेग को स्ट्रेट रखना है और वहाँ पर होल्ड रखेंगे। और उसके बाद सेकेंड आप ऐसे हमने अल्टरनेट अपनी एक बाजू एक टांग को फ्लेक्स करना है और बॉडी के स्ट्रेट लेवल पे रखना है। जैसे स्ट्रेट कर लिया मैंने, सेम ऐसे रख। दोस्तों जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई हैं, ये एक्सरसाइज मुझे हमें वेकअप करते समय, जब हम सुबह उठते हैं तब भी कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा टाइम वो ही रहेगा। और ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, विद इन 7 डेज आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी बैक पेन अगर हो रही है तो आपकी बैक पेन में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके मसल्स स्ट्रांग नहीं है वो भी होने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो बैक की एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए। सुना है कि जो अपने बुजुर्ग बोलते थे कि जिसकी बैक ज़्यादा स्ट्रांग होती थी वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव करता है। और मुझे होप है कि आपको मेरे सेशन बहुत अच्छे लगते होंगे और आज का सेशन भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने रिव्यूज़ और अपने कमेंट्स अब मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।